नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे BHB वर्सेस के AH के बीच जो होने वाला है। गाइस, आज का दिन का पहला असम T20 का मैच, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो काइंडली गाइस, आप लोग वीडियो अंत तक ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो एंड ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, क्योंकि जो फाइनल अपडेट होता है ना, सिर्फ मैं इस मैच का बात नहीं कर रहा हूँ, अगले मैचेस का, जैसे कि इसके बाद जो कवरेजेस आएगा बेल्जियम ग्रुप बी के मैचेस, एक्सचेंज 22 को बेरा के पिक्स, इंटरनेशनल मैचेस का अपडेट, डेमोटिव वगैरह कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जुड़ जाना, इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन वाला लिंक यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो सर्च कर सकते हो @ लगा के TIMSFDF, कहीं पे गलती से भी स्पेस मत लगाना। अभी आता होगा इस मैच को एनालिसिस में, कितना 8:30 बजे इंडियन टाइम मैच स्टार्ट होने वाला है, कहाँ पे, सेम ग्राउंड गुवाहाटी पे। अभी ना थोड़ा सा वेदर ना खराब होते हुए दिख रहा है और बारिश बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। लास्ट के दोनों मैच में बारिश इंटरप्ट भी किया था। अब आता हूँ सीरीज ओवरव्यू में, मैच 18 खेला गया है, 9 बार बैट फर्स्ट, 8 बार बैट सेकेंड, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। एक मैच इनका क्या हुआ था, वो सुपर ओवर में गया था, 140-170 रन एवरेज को, न्यूट्रल आप मान के चल सकते हो फ्रेश ट्रैक, क्योंकि देखो नो डाउट बहुत सारे मैचेस सेम ट्रैक में हुआ है तो फ्रेश वॉर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, बट यहाँ पे बारिश के कारण मॉइस्चर आ रहा है और पिच में ज़्यादा ना क्रैक्स नहीं खुल रहे, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप एकदम करा गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि बारिश आ रहा है और पिच को भी अच्छा खासा गाइस रोल ऑन किया जाता है। BHB से अगर ध्यान दोगे ना, बिप्लब साइकिया आपको ओपन करते हुए दिखा है, कुछ ना कुछ बना रहा है बैटिंग से, चलो हम लोग इनको अपनी टीम में रखेंगे। राहुल हजारिका, देखो हर मैच में इनका रन है, लास्ट ईयर का लीडिंग रन गेटर भी था, मेरे हिसाब से अगर बैटिंग फर्स्ट होता है बढ़िया कैप्टन पिक है, चेजिंग में भी बनाऊ सेफ है वाइस कैप्टन, बट बैटिंग फर्स्ट में बढ़िया कैप्टन बन जाएंगे। शुभम मंडल डिफेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन, इफ बैट फर्स्ट सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ टीम में रखो, ये तीनों अच्छा खेला है और लीग टेबल में सबसे ऊपर है BHB फिलहाल, ठीक है। नीचे और KAH जो है ना सबसे नीचे। सिद्धार्थ बोरुआ बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड रोटेशन हम लोग करेंगे। धरणी रवा आपके लिए मस्ट पिक है, अभिजीत सिंह सिद्धू मेरे हिसाब से ये दोनों आपके लिए मस्ट पिक है इस मैच में, ओपोनेंट कुछ खास नहीं है तो मैं अभिजीत को भी मस्ट पिक बनाऊंगा। सिद्धार्थ शर्मा कभी बॉलिंग करते कभी नहीं करते, बेसिकली लास्ट मैच में बारिश के कारण ओवर कटा था, बट KMahajan लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला था, जनता इनके पीछे भागेंगे, आप चाहो तो रख सकते हो चाहो तो रोटेट कर सकते हो। रिदीप देका बॉल फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेथ में आ सकते हैं बॉलिंग के लिए। जीतूमणि कलीट अगर खेलता है तो मेरे टीम का मस्ट पिक बनेगा, आप भी ले लेना क्योंकि विकेट टेकर है, साथ साथ कुछ ना कुछ रन बना जाएगा। आनंद शर्मा खेलेगा तो आप बॉल फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग KMahajan डी रभा एस बरुआ, डेथ में कौन, डी रभा एस बरुआ, मतलब बॉलिंग अगर फर्स्ट हुआ ना तो एस बरुआ का छोड़ने का गलती से भी सोचना मत, क्योंकि ये डेथ में कराएगा, ठीक है। ये इनके थोड़े से पास रिकॉर्ड है, आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग हल्का यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। गाइस की एज से अगर ध्यान दोगे तो इनका बैटिंग अब तक चला नहीं है, बट स्टिल अगर आप नाम के साथ जाना चाहते हो मेरे हिसाब से जाना भी पड़ेगा, वो है निहान नारा, क्योंकि कुछ तो बैट्समैन चाहिए होगा। बहुत ख़राब नहीं खेला है, लास्ट 3 इनिंग्स 20+ है, अच्छा प्लेयर है, चला नहीं है सीजन में, बट आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इनका कुछ खास बैटिंग मुझे लगता नहीं है, बट हाँ बॉलिंग सेक्शन में आकाश सेन गुप्ता अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ प्रीतिश रॉय के साथ मस्ट पिक बनेगा। सेकेंड इनिंग्स में प्रीतिश रॉय मेरी टीम में रहेगा, आकाश भी रहेंगे क्योंकि ये बैट बॉल कुछ ना कुछ करा ही लेगा। आपको अगर डिफेंशियल लेना है गाइस तो कुणाल शर्मा को लेना, रोशन आलम को अगर कैप्टन बनाना है तो बॉल फर्स्ट बनाओ, क्योंकि देखो टीम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर बैटिंग फर्स्ट किया टीम इतना कम रन बनाएगा कि ये बंदा डिफेंड क्या करे, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है रोशन आलम को कैप्टन बनाना, लास्ट ईयर के वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर, 10 मैच में शायद 21 विकेट था, मैंने नीचे यहाँ पे आपको संजय हाँ ये रहा 10 मैच में 21 विकेट, बढ़िया विकेट टेकिंग ऑप्शन है गाइस। दानिश अहमद अगर खेलता है तो एज बैटिंग ऑलराउंडर खेलेगा, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग आकाश सेनगुप्ता प्रीतिश रोशन, डेथ में आकाश सेनगुप्ता रोशन आलम और भार्गव करते हुए आपको दिखेगा, तो अगर बॉल फर्स्ट हुआ ना ये बी लखर मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था ये बंदा डेथ करा सकता है और इसने ही डेथ कराया था। तो गाइस अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो लो सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप करने का रिस्क लेना, ये इनके थोड़े से पास रिकॉर्ड है, आप चाहो तो रिव्यू कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ना एक ही बंदा सही लग रहा है, मिनमय दत्ता अगर बॉल फर्स्ट हुआ, क्योंकि डेथ में कराएगा। गाइस ये रहेगा फिलहाल टीम, जहाँ पे हजारिका मेरे VC है, कैप्टन है रवा, शायद मैं ऑल्टरनेट करूँ अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो रवा कैप्टन बनेंगे, एस बरुआ है हमारे पास, ए सिंह सिद्धू है, डी रवा, इधर से प्रीतिश रॉय, रोशन आलम, अकाश सेनगुप्ता, रोमेरियो शर्मा मेरी टीम का तो मस्ट पिक नहीं है, जनता इनको मस्ट पिक बना रहा है, बैट फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। सेकेंड इनिंग्स में रोमेरियो के जगह एक्स्ट्रा बॉलर जरूर ट्राई करना, मैं प्रेफर करूँगा कौन सा टीम से, KAH से अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो एक्स्ट्रा बॉलर ट्राई करना है।
एस मंडल बिसेगिया और रहजारी का है। गाइस ये रहेगा मेरा फिलहाल इस मैच का अपडेट, इस मैच का फाइनल और नेक्स्ट मैच का अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे आ जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।